16 मार्क्स वेटेज है यूनिट की एंड ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो लेट्स बिगिन तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इफ आई टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन इन जनरल कि रिप्रोडक्शन का ट्रेंड क्या रहता है व्हाट आर द इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द ह्यूमन रिप्रोडक्शन राइट सो आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन व्हाट इज गोइंग टू बी द ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं व्हाट आर दी वेरियस इवेंट्स दैट टेक प्लेस राइट तो सबसे पहले बच्चों रिप्रोडक्शन बिगन होने का सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोसेस इज गेमीटोजेस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स तो हमें पता है दो तरह के गेमिट बनते हैं फर्मस आर फॉर्मड इन दी मेल्स एंड ओवम इज फॉर्मड इन दी फीमेल्स राइट सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट्स इज नोन एज गेमीटोजेसिस जब बच्चों गेमीट्स बन जाएंगे तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा उन गेमीट्स को ट्रांसफर कराना पड़ेगा तो व्हाट इज गोइंग टू बी द सेकेंड इवेंट ट्रांसफर ऑफ गेमीट्स फ्रॉम मेल टू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, है ना तो so हमें मेल से फीमेल में ट्रांसफर करना होगा गेमीट्स का राइट एंड देन फॉलोड बाय दिस थर्ड स्टेप

ब्लास्टोसिस्ट में जो कि एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है एंड दिस ब्लास्टोसिस्ट विल गेट अटैच टू द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस यूट्रस की इनर लाइनिंग में जाकर ये ब्लास्टोसिस्ट अपने आप को अटैच करेगा सो आई एम राइटिंग द इम्प्लांटेशन दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन और वी कैन से एम्बेडमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस राइट जैसे ही इनर लाइनिंग में जाकर एम्बेडमेंट होगी इम्प्लांटेशन होगी तो क्या होगा डेवलपमेंट विल स्टार्ट राइट सो डेवलपमेंट ऑफ जयगॉट इन टू ब्लास्टोसिस्ट एंड फॉलोड बाई इट्स अटैचमेंट टू द इनर वॉल और इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड ऑफकोर्स देन फर्दर ऑनवर्ड एमिक डेवलपमेंट विल टेक एम्ब्रियनिक डवलमेंट इन दूटरस तो आप इस इवेंट को क्या कहोगे वॉट विल बी दल टर्म दैट फॉर दिसो की जो डेवलपमेंट होगी यूटरस के अंदर इट विल बी कॉल्ड जेस्टेशन जिसको हम प्रेगनेंसी भी कहते हैं इन कॉमन टर्म्स राइट एंड लास्ट प्रोसेस विल बी दमिंग आउट ऑफ दीटसिवरी ऑफ द फीटस फ्रॉम दॉडी डिलीवरी ऑफ द फुल ग्रोनस

ओके okay, उसके बाद ये रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट और इवेंट्स आर सीन इन दी ह्यूमन बीइंग्स सो दिस इज समथिंग विच वी नो वेरी बेसिक अबाउट दी ह्यूमन रिप्रोडक्शन राइट अब हम स्टार्ट करते हैं विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों हम बात करेंगे अबाउट टेस्टिस विच आर दी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी असेसरी डक्स रिलेटेड टू देम इनके

सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर व्हाट इज टेस्टिस राइट सो एज वी सेड प्लूरल इज टेस्टिस सिंगुलर इज टेस्टीज़ राइट तो नाम से ही पता चल रहा है कि पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल्स पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल्स व्हाट इज द यू नो लोकेशन

एबडोमन के बाहर बॉडी के बाहर एबडोम के बाहर जैसे में, -like में, इसका एक रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें से क्वेश्चन बनता है पूछा गया तो so, बच्चों एक्चुअली टेस्टिस के अंदर होता है स्पर्म फॉर्मेशन स्पॉर्म फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर देन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ दी बॉडी आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना अप्रोक्सिमेटली थर्टी सेवन डिग्री लेकिन के के बाहर अंदर गेट्स बॉडी तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से दो से ढाई डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है कम हो जाता है ओके एंड दिस इज द रीजन वाई दैट टेस्टिस located in pouch like structure called pouch like structure called scrotum which provides 2 to 2.5 degree Celsius lower temperature than lower temperature than abdomen than body temperature okay then abdomen or body temperature हमें समझ आ गया लोकेशन क्या है टेस्टिस की कहाँ पर लोकेटेड है ये टेस्टिस राइट क्लियर नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी डायमेंशंस व्हाट आर दी डायमेंशंस सो टेस्टिस इज अप्रोक्सीमेटली फोर टू फाइव सेंटीमीटर इन लेंथ ठीक है चार से पांच सेंटीमीटर की लेंथ रहेगी एंड टू टू थ्री सेंटीमीटर वाइड दे आर गोइंग टू बी फोर टू फाइव सेंटीमीटर इन लेंथ एंड टू टू थ्री सेंटीमीटर वाइड राइट

डिलीट दिस राइट ऐसा लगता है लगभग ढाई सौ छोटे छोटे लोब्स हैं छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं वट आर दो कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स राइटिंग है एम राइटिंग है ईच टेस्टिस ईच टेस्टिस कंप्राइजेस ऑफ अबाउट टू फिफ्टी कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर

टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर वी आर गोइंग टू फाइंड वन टू थ्री सेमिनि ट्यूब्यूल्स, राइट प्लेस का प्रोसेस टूब्यूलस्टूड सबको क्लियर हो गई ये बात की सेमिनस ट्रिब्यूल के अंदर विलेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस अगर मैं आपको एक टिपिकल सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल का स्ट्रक्चर दिखाऊं

ये वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं दिस पोर्शन कंप्राइज ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड इंटरस्टीशियल सेल्स इंटरस्टीशियल सेल्स तो हमने क्या पढ़ा ध्यान से देखो वॉट के इनर साइड पे ऑन द इनर साइड ऑफ द सेमिनी फेरस ट्रिब्यूल वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल्स One type of cells are male germ cells, and the other types are Sertoli cells. Sertoli cells. What can be the other name of male germ cells? Which we have seen in the diagram spermatogonia. spermatogonia. What is the function of spermatogonia? They lead to sperm formation. They lead to formation of sperms, right? And what is the function of Sertoli cells?

वट इज द फंक्शन ऑफ इंटरटीशियल और लेडिक सेल्स इन एंड सिक्रेशन तो ये बनाते भी है और रिलीज भी करते हैं किसको मेल हॉर्मोन को वट इज दट मेल हॉर्मोन एंड्रोजन एंड्रोजन स्पेशली कौन से एंड्रोजन की बात कर रही हूँ मैं टेस्टोस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन विच इज हाईली रिक्वायर्ड फॉर स्पर्म फॉर्मेशन टू टेक प्लेस

सबको क्लियर हुआ यस और नो और राइट लेट्स कम बैक सी सो आई टोल्ड यू अबाउट दी है ना देशर के बारे में हमने बात की थी टेम्परेचर कितना रहेगा टू 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 पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस लोअर देन दी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो कहां पर मिलेगा क्रॉटम के अंदर ठीक है और ये टेम्परेचर हेल्प करेगा इन दी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स दैट इज इजमेटोजेनेसिस

मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों एज आई टोल्ड यू दस्ट आर लोकेटेड इन क्रॉटम रीजन रीजन में टेस्ट लोकेटेड होंगे देख लेते हम क्विकली ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम राइट सो वी हैव द एक्सटर्नल जेनिटेलिया दिनस एंड द टेस्ट located in the scrotum right so this is scrotum having testis inside having testis inside this is external genitalia of the male that is penis penis is covered by a tissue called glans penis having

it has a common passage and a urinary system se bhi connected and it is related to the reproductive system also so they the testis mein, what you are going to see that a duct will come out like this a duct will come out like this which is called vas deferens is duct kya this is vas deferens okay and vas deferens is going to come and surround यूरिनरी ब्लाडर लाइक दिस तो ये रहा आपका यूरिनरी ब्लाडर इन केस ऑफ मेल्सरी ब्लाडर राइट और यूर ब्लाडर से जो डक निकलेगी राइट right? यूरिनरी ब्लाडर से जो डक निकलेगी दिस इज यूरिटर यूरिनरी ब्लाडर के से जो डक निकल गई दैट इज गोइंग टू कंबाइन विद द वास्ट डिफरेंस लाइक दिस तो एक कॉमन ओपनिंग बन जाएगी राइट एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू रिसीव दिक्रेशन फ्रॉम द फेमिनल वेसिकल पार्ट तो हमने कुछ ग्लैंड भी पढ़ने हैं अभी राइट right? तो so, एक ग्लैंड में आपको बता दू यहां पर दिस इज सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है मेल असेसरी ग्लैंड है सो ऑल दीज थ्री डक्ट आर गोइंग टू कंबाइन कौन कौन सी द डक्ट कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम दी वास्ट डेफरेंस एंड फ्रॉम दी सेमिनल वेसिकल दे आर गोइंग टू कंबाइन एंड ओपन इन टू

और उसके अलावा हमारा जो यू नो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं दिस इज रेक्टम एंड दिस इज एनस दिस इज एनस ओके सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा मेन रीजन पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स स्क्रोटम हैविंग टेस्टिस टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होगा स्पर्म्स विल बी फाइनली कलेक्टेड बाय द वास फास्ट डिफरेंस विल गो एंड डक्ट कमिंग आउट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर तो यूरिन और स्पर्म्स का कॉमन पैसेज रहेगा और उनमें सिक्रेशन कौन कौन से ग्लैंड की मिलेंगी बल्बो यूरेड सेल वेसिकल्स एंड प्रोस्ट्रेट ग्लैंड राइट दीज आर गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिक्रेशन ऑफ द स्प एंड ऑफ द स्प एंड कन्वर्टेड इन टू सेमिनल प्लाज्मा ठीक है क्लियर हुआ सबको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर

डी ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो बच्चो वी नो दैट स्पर्म्स का कलेक्शन कहा से होगा फ्रॉम दिब्यूल है कहाँ लोकेटेड है टेस्टिस के अंदर वहां से स्पर्म्स की कलेक्शन होगी कौन करेगा इनकी कलेक्शन इट विल भी कलेक्टेड बायस इट विल बी कलेक्टेड बाई अ ड

बट आपको पता है कि वास डेफरेंस में किसकी और सिक्रेशन ऐड हो रही थी अभी मैंने आपको शो किया था इट वॉज ऑल्सो गेटिंग सिक्रेशन फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स जो कि ग्लैंड में ओपन कर रहा है थ्रू डक्ट एंड वास डेफरेंस फाइनली ओपन इन टू यूरेथ्रा तो मैं इसको इन कॉन्टिन्यूएशन यहां लिख देती हूँ and vas deferens finally opens into urethra okay jo ki a common opening hai urinour sperm's ke liye so i'm repeating again bachcho kon kon si main ducts hui accessory ducts kon si hui first is rete testis followed by vasa efferentia which collects the sperm from rete testis and transfers it to epididymis and last duct is vas deferens तो इन चार मेन डक्ट्स को आपको याद रखना है विच आर एसोसिएटेड विद द मेल रिप्रोडक्टिव रेट टेस्टिस कलेक्ट करेगा सेमिनीफेरस से वाजा फ्रेंशिया फ्रॉम रेट टेस्टिस एपिडिडाइमिस फ्रॉम वाजा फ्रेंशिया वाज डिफरेंस फ्रॉम एपिडिडाइमिस क्लियर सेक्रेटेशंस विल बी एडेड फाइनल रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द बॉडी विल टेक प्लेस थ्रू यूरेथ्रा इज दैट अंडरस्टूड एंड क्लियर

what is the name of male external genitalia it is called penis right penis ke you know anterior end part is going to have a, a anterior structure see it is mentioned here enlarged end of penis is called glans penis so enlarged end ka naam aap yad rakhenge. of the penis will be called glans penis and this glans penis ye se bana hota hai?

प्लाज्मा एक फ्लूड जैसे स्ट्रक्चर में ट्रैवल करते हैं वो फ्लूड कौन कंट्रीब्यूट करता है इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय दिस थ्री ग्लैंड्स ओके एंड दे मेक द सेमिनल प्लाज्मा रिच इन फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड एंजाइम्स क्लियर तो मैं इसको जरा आपके लिए यहां पर सिंपलीफाई कर दूं दैट व्हाट आर मेल मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स विल बी जो कि कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा राइट कौन कौन से वी हैव सिंगल प्रोस्ट्रेट ग्लैंड वी हैव पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स एंड वी हैवी हैव द थर्ड स्ट्रक्चर दैट इज पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ओके क्लियर वॉट आर गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट दे आर गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूटिनल प्लाज्मा प्लाज्मा वो फ्लूड है जिसमें दे गेट न्यूट्रिशन ऑल्सो और मोटिलिटी भी मिलती है उनको so, seminal plasma में हमें तीन चीजें मिलेंगी कैल्शियम प्रकटोज एंड दाइम्स प्रेजेंट इन इट एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट एंड स्पेशली आपको याद रखना है कि बल्बो यूरेथरल ग्लैंड जो है इट प्रोवाइड्स शन ल्यूब्रिकेशन टू दी स्पर्म्स ओके इट प्रोवाइड्स ल्यूब्रिकेशन इज द्लियर एंड अंडरस्टूड ये बल्बोलेके तो इसके साथ हम कंक्लूड कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा टेस्टस हमने पढ़ा वेयर एंड हाउ आर दी स्पर्म्स फॉर्म अभी हम पूरा प्रोसेस मियॉसिस का पढ़ेंगे डिटेल में गेमिटोजेनेसिस में उसके अलावा भी डिस्कस्ड कौन कौन से ग्लैंड कौन कौन सी डॉक्ट एंड एक्सटर्नल इसके साथ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ओवर तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें राइट तो व्हाट आर पार्ट्स एसोसिएटेड कौन कौन से पार्ट्स हैं इसमें And they are paired structures. Right? Pair of ovaries are there. Right? Primary female sex organ. Hai. We have a pair of oviducts. They are also paired structures. We fallopian tubes. Then we have uterus. Right? We have cervix. And we have vagina. We have vagina. Right? तो ये सारे मेजर पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जिसमें से ओवी सर्विक्स एंड वजाइना आल्सो फीमेल एसेसरी डक्ट्स ठीक है फीमेल एसेसरी डक्ट्स की बात करें तो वी हैव आई शो यू फर्दर है ना इसके बारे में बाद में भी बात की गई है ओवी सर्विक्स वजाइना दे आर मेजर फीमेल असेसरी डक्ट्स क्लियर यूट्रस को आप वूम्ब भी कहते हो And it is the place where the fetus develops. Okay? And ovaries, as you know, they are primary female sex organs. Primary female sex organs. What is the length of an ovary? It is approximately 4 to 5 cm. Okay? Clear? understood Okay? Alright. So this is 2 to 4 cm. Okay? 2 to 4 cm. Okay? Clear? ट अबाउट ओवरी इन डिटेल ओवरी में क्या होता है पहले हम एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाते हैं where we understand how are these systems located. है ना ये सारे पार्ट कैसे लोकेटेड है इन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सो लेट्स मेक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम राइट क्लियर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसी एक पेक्यूलियर सी इनर लाइनिंग बनाएंगे हम राइट लाइक दिस लाइक लाइक दिस ओके और राइट

ओवम को कलेक्ट करेगा फ्रॉम दी ओवरी पार्ट ऑफ दूब फलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट इज कॉल्डिबुल्ड इन फंडिबुलम जिसमें फिंगर लाइट प्रोजेक्शन प्रेजेंट होंगे विच कलेक्ट दी ओवम कॉल्ड फिम्बरी ओवरी से फिम्बरी कलेक्ट करेंगे ओवम को एंड ट्रांसफर इट टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिन फंडिबुलम इन फंडिबुलम लीड्स टू अडर पार्ट कॉल्ड एम्प्यूला दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ फिलोपियन ट्यूब एंड थर्ड पार्ट में फर्दर जिसका थोड़ा सा नैरो डायमीटर रहेगा नैरो विथ रहेगी इट इज कॉल्ड स्थमस तो तीन पार्ट हमने फलोपियन ट्यूब के पढ़े इस्थमस एम्प्यूला एंड इनफंडिबुलम इन फंडलम में ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होंगी दैट वी कॉल कलेक्ट दैट क्लियर एंडरस्टूडो लीड करेगा इन टू दूटरसम लीड इन टू यूटरस दिस इज यूटरस और यू कैन कॉल इट दिस इज यूट्राइन कैविटी तो यूटरस के अंदर का सारा रीजन विल बी कॉल्ड यूट्राइन कैविटी और यूट्रस कैसा दिखता है इट लुक्स लाइक एन इनवर्टेड पियर एक उल्टे पियर की तरह पियर फ्रूट्स आपने देखा है ना नाशपाती राइट सो इनवर्टेड पियर जैसा आपको नजर आएगा क्लियर अब यूट्रस की भी वॉल लेयर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं वी हैव थ्री वॉल लेयर्स तो आउटर मोस्ट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम विच इज थिन लेयर ठीक है so, कैसी लेयर है एक्सटर्नल एंड थिनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस इन दी सेंटर वी हैव मायोमेट्रियम विच इज कंपेरेटिवली थिकल लेयर ठीक है विच इज इंटरनल एंड थिक लेयर। और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर रहेगी दैट इज गोइंग टू बी एंडोमेट्रियम दैट इज गोइंग टू बी एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम की नेचर कैसी होगी इट इज गोइंग टू बी ग्लैंडुलर इट इज गोइंग टू बी ग्लैंडुलर राइट तो ये एक ऐसा टिश्यू रहेगा

से वजायना के बीच का ये सारा जो कैविटी है दिस कैन बी कॉल्ड सर्विकल केनाल सर्विक्स और वजायना को हम साथ में बर्थ केनाल भी कह देते राइट तो दिस इज हाउ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लुक्स लाइक ओके तो हमने इसमें लेबल किए प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज ओवरी मेड ओवीडक्ट इनफंडिबलम एम्पला एनसर ऑल पार्ट ऑफ ओविडकोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे लीड टू यूट्रस यूट्रस में तीन लेयर्स हमने बनाई, पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम एंडोमैट्रियम और एक्सटर्नल जेरिटेलिया ओके क्लियर सो लेट्स कम बैक नाउ ओवरीज क्या है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन का काम क्या है ओवम बनाना और ओवेरियन हार्मोन्स रिलीज करना मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैं बात करूंगी ओवेरियन हार्मोन्स के बारे में एंड ऑफ कोर्स ओवरी का डायमेंशन टू टू फोर सेंटीमीटर है लेंथ में इट इज अटैच टू द पेल्विक वॉल विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स एंड ओवरी इज कवर्ड विद अ लेयर कॉल्ड एपिथीलियम तो हमें पता आउटर लाइनिंग ऑफ द टिश्यूज को हम एपिथिलियम कहते हैं और एपिथीलियम को डिवाइड करेंगे हम इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला रीजन राइट right? और मेडुला रीजन में हमें ये सब दिखाई देगा राइट फॉर्मेशन ऑफ ओवम ओविडक्स हम पढ़ चुके हैं ओविडक्स क्या है फीमेल डक्ट्स है हर एक ओविडक्ट इज अराउंड टू सेंटीमीटर इन लेंथ तो दस से बारह सेंटीमीटर की ओविडक्ट होगी जिसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी फनल शेप्ड इन वनडिबुलम बच्चों इंपॉर्टेंट है इसमें से क्वेश्चन बन सकता है ठीक है एजेस ऑफ इनडिबुलम में क्या प्रेजेंट था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट कॉल्ड

Dups, तीन रीजन रहेंगे मैंने आपको बताई पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम एंड लीडिंग टू सर्विक्स एंड सर्विकल केनाल एंड फाइनली वजायना ओके क्लियर निस हाइव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू ठीक है यूट्रस इन्वर्टेड पियर शेप है उसकी तीन वॉल लेयर है उनकी क्या नेचर है थिन, एंड ग्लैंडुलर स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटसाइड मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम क्लियर एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया बच्चों फीमेल एक्सटर्नल में रीजन आ जाएंगे लाइक प्यूबिस, लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा हाइमन एंड क्लाइटोरिस तो बेसिकली प्यूबिस क्या है मॉन्स प्यूबिस इज अ रीजन

And inside vagina, you are going to find the structures like clitoris. So tiny finger-like structures hai, and they lie at junction between two labia minora. And the vagina is covered, often covered by a membrane, thin membrane called hymen, which generally it is believed that it is broken during the intercourse, right? But there could be other reasons as well. So external female external genitalia, mein, we have talked about on pubis region.

रिप्रोडक्शन के इवेंट को खत्म करने के लिए कंप्लीट करने के लिए प्रेजेंट है एक एसोसिएटेड ग्लैंड 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 कॉल्ड कॉल्ड मैमेरी मैमेरी तो अगर मैं आपको इस डायग्राम पे हम अभी आते हैं आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू एक फ्लो चार्ट बना लो इसके लिए भी बढ़िया सा कि बच्चों जब आप लास्ट डे पे रिवाइज करोगे वन डे बिफोर द एग्जाम तो आपके पास कुछ ऐसे क्रिस्पी नोट्स होने चाहिए जो फटाफट आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अपनी लैंग्वेज में यू नो फ्लो चार्ट बना के भी देख सकते हो इफ आई टॉक अबाउट मेमेरी ग्लैंड right? मेमेरी ग्लैंड एक्चुअली किससे बने हुए हैं मेमेरी ग्लैंड आर मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू ग्लैंडुलर टिश्यू एंड अ लॉट ऑफ फैट बहुत सारे फैट और ग्लैंडुलर टिश्यू का बना हुआ है मेमेरी ग्लैंड ग्लैंडुलर टिश्यू में वी हैव 15 to 20 मेमेरी लोब्स वट आर प्रेजेंट फिफ्टीन टू ट्वेंटी मेमेरी लोब्स आर प्रेजेंट राइट

राइट ये right, जो मिल्क हुई है इट इज गोइंग टू गो इन टू द मेमेरी ट्यूब्यूल्स इस मिल्क को कौन कलेक्ट करेगा इट विल बी कलेक्टेड बाई मेमेरी ट्यूब्यूल्स एंड दीज मेमेरी ट्यूब्यूल इसी को कॉन्टिन्यू कर रही हूं मैं दीज मेमेरी ट्यूब्यूल्स आर गोइंग टू ओपन इन टू मेमेरी डाइट दीज आर गोइंग टू ओपन इन टू मेमेरी ड देखो परिस हमने कहा कि बहुत सारा फैट और ग्लैंडुलर टिश्यू है तो फैट यहाँ पर बना हुआ है उसके अलावा भी है मेमेरी लोब्स ओपनिंग इन टू एलवल ओपनिंग इन टू डक्स और डक्स और एलविलस के बीच में मैंने कहा था वॉट इज प्रेजेंट मेमेरी ट्यूब्यूल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट सी मेमेरी ट्यूब्यूल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट राइट मैमेरी ट्यूब्यूल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एंड फाइनली ट्यूब्यूल्स एंड मैमेरी ट्यूब्यूलरी डिमे ओपन करेंगे इन टू द रीजन कॉल्ड एम्पुला तो बच्चों ये जो फाइनल डक हैं, दीज आर नथिंग बट एम्पुला जो फाइनली लैक्टीफेरस डक्ट के थ्रू दे आर गोइंग टू गिव मिल्क आउट ऑफ द मेमेरी ग्लॉक ठीक है तो इसी फ्लो चार्ट को कॉन्टिन्यू करो अगर मेमेरी डक्स विच ओपन इनटू टू मैमेरी डक्स विच ओपन इनटू टू मैमेरी एम्पुला एम्पुला रीजन राइट और एम्पुला आदि दी जो फाइनली किस में ओपन करेंगी लैक्टी फेरस डक्स लैक्टी में विच फाइनली गिव मिल्क आउट ऑफ मिल्क सिक्रेशन करेंगे आउट ऑफ मैमेरी ग्लैंड तो फिर लुक एट इट बच्चों

तो so, अब देखो आप इसको आसानी से समझ सकते हो फ्रॉम दिस डायग्राम आल्सो लेट्स रिपीट दिस सो लॉट ऑफ फैट यू कैन सी लॉट ऑफ फैट एंड लोब्स प्रेजेंट है सी दीस आर मेमोरी लोब्स तो 15 टू 20 लोब्स आर प्रेजेंट और हर एक लोब के अंदर क्या प्रेजेंट होगा एल्विलस विल बी प्रेजेंट एल्विलस व्हिच ओपनस इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स मेमोरी डक्ट्स एम्पुला एंड लैक्टिफेरस्टा ओके क्लियर जिनको हमरली कहते हैं कॉल्ड एलव करेंगे मिल्क जो कहा स्टोर होगा इन दी ल्यूमन इन दी कैटी ऑफ दलव एलवन करेंगे मेमेरी टूब्यूल्स के अंदर ट्यूब्यूल टू फॉर्म के थ्रू मिल्क विल बी रिलीज आउट ऑफ ओके तो ये अगर आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में कर लोगे तो बच्चों बहुत ईजी हो जाएगा ओके क्लियर आई एम गोइंग टू आस्क यू दिस अब हमें स्टार्ट करना है गेमिटोजेसिस तो so, गेमीटोजेिस की बात करें बच्चों तो नाम से ही पता चल रहा है जेनेसिस जेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स तो फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स मेल और फीमेल में सेपरेट रहेगी राइट लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ गेमिट गेमीटोजेनिस इन केस ऑफ मेल्स राइट मेल्स के केस में गेमी के प्रोसेस को हम क्या है? कहेंगे इट विल बी कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स बेसिकली और फीमेल के केस में वी आर गोइंग टू कॉल द प्रोसेस एज ऊजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऊगोनिया राइट ऊगोनिया ओवम तो बहुत अलग अलग टर्म्स हैं तो हम वी विल कम अक्रॉस देम वन बाय वन तो स्पोमैटोजेनेसिस को सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं राइट लेट्स टॉक अबाउट स्पोमैटोजेनेसिस फर्स्ट तो सी स्पर्मैटोजेनेसिस के प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे

स्पर्मेटोगोनिया वो सेल्स हैं जो डिप्लॉइड सेल्स हैं एंड दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स अल्टीमेटली ये स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी प्यूबर्टी तक पहुंचने तक क्या होगा मेल्स में स्पर्मेटोगोनिया विल इंक्रीज इन नंबर और नंबर इंक्रीज करने के लिए इनको किस तरह की डिविजन करनी पड़ेगी माइटोसिस तो स्पर्मेटोगोनिया का नंबर इंक्रीज करता जाएगा एंड जब इनमें मियोसिस शुरू होगा क्योंकि सबके सब, सब स्पोमैटोगोनिया में यू नो मियोसिस नहीं होगा सम ऑफ दिस स्पोमैटोगोनिया जिनको स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट्स प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट्स दे विल स्टार्ट अंडरगोइंग राइट दे विल स्टार्ट अंडरगोइंग मियोटिक डिवीजन मियोसिस वन अंडरगो करेंगे एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मैटोसाइट्स

23, ठीक है सेकेंडरी स्पोमैटोसाइट फिर फर्दर दे विल अंडरगो मियोसिस टू सेकेंड माइटो मियोटिक डिविजन अंडरगो करेंगे एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म फोर हैप्लॉइड अब देखो मियोसिस वन कंप्लीट होता तो क्या बनता है डायड ऑफ सेल्स तो टू सेल्स बने और जब सेकंड मियोसिस कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा टेट्राड ऑफ सेल्स तो फोर हैप्लॉइड फॉर्मेटेड विल बी फॉर्म क्या बोलेंगे हम इनको इन सेल्स को हम कहेंगे फॉर्म, राइट और इनका भी क्रोमोजोम क्या रहेगा इट विल बी 23 तो मियोसिस की वजह से 46 हो गया तो 23 and 23. तो एक पूछा जाता है क्रोमोजोम नंबर ठीक है और स्पोमेट का क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा मियोसिस वन मियोसिस टू के बाद क्रोमोजोम नंबर क्या रहेगा इसमें से वन मार्कर भी बन सकता है एमसीक्यू भी बन सकता है ठीक है

इस प्रोसेस को हम कहेंगे और फाइनली बच्चों ये आ, they will get released from seminiferous tubules. इनका रिलीज हो जाएगा ट्यूब्यूल्स में से एंड द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ पोमैटोजोआ फ्रॉम ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड फर्मिएशन द प्रोसेस

हॉर्मोनल कंट्रोल ये सारा जो स्पोमैटोजेसिस हुआ इट इज अंडर हॉर्मोनल कंट्रोल विच हॉर्मोन्स आर कंट्रोलिंग ठीक है कौन से हॉर्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं एट प्यूबर्टी मेल्स में क्या होता है प्यूबर्टी के टाइम पर लेवल्स ऑफ जी एन आर एच इंक्रीज गोनाडोटॉपिन रिलीजिंग हॉर्मोन का लेवल्स जो है वो एब्रप्टली इंक्रीज कर जाते हैं वट इज जी एन आर एच जी एन एच जी एन आर एच इज अपोथेलमिक हॉर्मोन हाइपोथैलोमस से रिलीज होता हुआ हार्मोन है राइट right? इसका लेवल जो है बॉडी में इंक्रीज कर जाएगा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एंड इट गोज एंड एड्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी हमें पता है हाइपोथैलोमस कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूट्री ग्लैंड राइट तो एंटीरियर पिट्यूटरी में जाकर ये दो हॉर्मोन्स का रिलीज करेगा वन इज एल एंड अदर इज एफ एस एच एल एच इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन

एल एच तो बच्चों जाकर करेगा at cells. At cells. Cells कौन से हैं बच्चों हमने पढ़े थे कि वो वाले cells हैं जो कि एंड्रोजन रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ऑब्वियसली एल एच का फंक्शन क्या होगा मेल हॉर्मोन एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन ठीक है एफ एस एच जो है जाकर एक्ट करेगा एट सेल्स इज गोइंग टू गो एंड एक्ट एट सेल्स जो कि कुछ फैक्टर्स को स्टिमुलेट करेगा इट स्टिमुलेट्स फैक्टर्स टू एनहस द प्रोसेस ऑफ जो स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस को एनहांस करेगा स्टिमुलेट्स फैक्टर्स फॉर स्पर्मियोजेसिस मीन्स बेसिकली स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस को एनहांस करेगा हॉर्मोनल कंट्रोल फॉर फोरमेटोजेनिस हॉर्मोन कंट्रोल के अंडर चलता है एंड दिस इज हाउ इट इज रेगुलेटेड इज दट अंडरस्टूड एंड क्लियर टू एवरी वन सबको समझ में आ गया ये ये ऑन नो सी आई शो यू फोर्मेटोजेनिस इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इट इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ गोनाडोटॉपिन रिलीजिंग हॉर्मोन तो आ गया क्वेश्चन मन माकर भी बन सकता है बढ़िया सा कैसा हॉर्मोन है ये हाइपोथैलमिक हॉर्मोन है कि किस पर एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूट्री पे क्या रिलीज होंगे एल एच जो लेडिक सेल्स से एंड्रोजन की कराएगा एंड दिस इज स्पोमैटोजेनेसिस इन केस ऑफ मेल्स प्लेस और फिर फाइनली बच्चों क्या बन जाता है स्पर्म इज फॉर्म अस लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म स्पर्म का डायग्राम इम्पॉर्टेंट है ठीक है लेबलिंग सकते हैंक मिडल पीस एंड टेल सी दिस इज हेड रीजन है विच इज कवर्ड विद प्लाज्मा प्लाज्मा कवर्ड है क्या मिलेगा यूं न्यूक्लियसिंग क्रोमोजोमल मटीरियल तो दिस इज न्यूक्लियस और बच्चों में बहुत ही पेक्यूलर रीजन आपको मिलेगा विच इज कॉल्ड एक्रोजोम बच्चों ऐसा रीजन है विच हैज हाइड्रोलिटिक इंजाइम इन इट तो जब स्पर्म फर्टिलाइज करने ओवम के पास जाएगा तो ओवम की वॉल को ओवम की लेयर्स को ब्रेक करने के लिए कौन हेल्प करेगा एक्रोजोम में प्रेजेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ओके क्लियर एंड यू कैन सी इट्स एन इलांगेटेड न्यूक्लियस जिसके अंदर बहुत सारा क्रोमोसोमल कंटेंट है फॉलोड बाय इट यू कैन सी दिस इज नेक रीजन राइट एंड दिस इज मिडल पीस अब मिडल पीस में बहुत पेक्यूलर चीज प्रेजेंट है दैट इज Lot many mitochondria. Lot many mitochondria. Right. What is the role of these mitochondria? They help the sperm in motility. Sperm ko swim karne may help carrying it. Okay? In the female genital tract. And last portion is the tail region. So this is the tail region. Right? So mainly you can divide the structure of sperm into head, neck, middle piece.

60% of the sperms should have a normal shape and size, right? Normal shape and size on and 40% among these sperms should have you know good motility. A motility then, then only it increases the chance factor of fertilization. Okay, so structure of sperm, mein, question can come from acrosome also, from middle piece portion also. जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं ओवम की वॉल लेयर को पेनेट्रेट करने में हेल्प करेगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड मिडल पेस कंटेन्स लॉट मेनी माइट्रोकॉन्ड्री ओके प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवरिंग द हेड्रीजन एक््रोजोम न्यूक्लियस कंटेनिंग रोमोजोमल मटीरियल मिडल पेस हैविंग माइट्रोकॉन्ड्रिया जिससे एनर्जी मिलेगी स्विमिंग के लिए एंड टेल विच इज द फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज गोइंग टू हेल्प इन swimming of this sperm okay movement of this sperm is that clear okay so we have covered this part theek hai to ye sperm ka jo structure hai that is also important clear so now after the completion of spermatogenesis ab kya ho chuka hai sperm ready hai humne formation of sperm kar liya spermatozoa bana liye spermiation ke process ke उनका unka release bhi kara liya now what it has to be supplied with semen hame banana hai right So we have sperm, sperm है और हमारे पास सेमिनल प्लाज्मा है वॉट इज सेमिनल प्लाज्मा जैसे मैंने आपको बताया आज के सेशन में सेमिनल प्लाज्मा इज दी सिक्रेशन कमिंग फ्रॉम दी मेल असेसरी ग्लैंड प्रोस्ट्रेट ग्लैंड बल्बोरेट्रल ग्लैंड सेमिनल वेसिकल्स ठीक है तो वो जो सिक्रेशन है जो कैल्शियम फ्रक्टोज मैग्नीशियम में रिच है फॉर्म एंड सेमिनल प्लाज्मा टूगेदर दे आर गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट थीमन

मेल्स में जब प्यूबर्टी आती है तब इट गेट स्टार्टेड लेकिन ओ जेनेसिस जो तो है बिफोर द बर्थ ऑफ द फीमेल ही स्टार्ट हो जाता बिफोर द बर्थ ऑफ द फीमेल ओनली लॉट मेनी ऊगोनिया स्टार्ट फॉर्म बहुत सारे ऊगोनिया बनना शुरू हो जाते एंड दे स्टार्ट अंडरगोइंग माइटोसिस माइटोसिस से दे स्टार्ट इंक्रीजिंग इन नंबर है ना उनका नंबर इंक्रीज होता जाएगा हाउ मेनी ऊगोनिया फॉर्म यू कैन इमेजिन मिलियंस

एंड देन जब ये अरेस्टेड रहेंगे they will be called primary oocytes, right? इनकी अरेस्टमेंट की जो स्टेज होगी इनको हम प्राइमरी उ और इन प्राइमरी उडिशन ऑफ ग्रैन्युलसा सेल्स विल टेक प्लेस बहुत सारे जैसे अगर सपोज दूसाइट तो इसके आस पास बहुत सारे ग्रैन्युलसा सेल्स विल गेट एडेड अप और इस ग्रेन्यूलोसा सेल्स की एडिशन की वजह से वी आर गोइंग टू कॉल द स्ट्रक्चर एज प्राइमरी फॉलिकल अब हम इसको क्या कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे राइट सो एडिशन ऑफ ग्रेन्यूलोसा सेल्स टू फॉर्म प्राइमरी फॉलिकल ठीक है प्राइमरी फॉलिकल बन जाएगा अब प्राइमरी फॉलिकल्स कितनी कितने नंबर में बने थे मिलियंस ऑफ नंबर फॉर्म है ना लेकिन अब जैसे जैसे ये आगे जाता जाएगा राइट एज द प्रोसेस कॉन्टिन्यूज तो प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते एट प्यूबर्टी बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट हो चुके होंगे तो प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट लार्ज नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स क्या हो चुके होंगे डीजनरेट कर चुके होंगे

एंड नाउ दिस सेकेंडरी फॉलिकल इज गोइंग टू सोन ट्रांसफॉर्म इन टू टर्शरी कन्वर्ट हो जाएगा प्रेजेंट है ग्रेन्यूलोसा सेल्स um, इसमें प्रेजेंट है राइट इन एडिशन टू प्राइमरी यूसाइट एंड ग्रेन्यूलोसा सेल्स टर्शरी फॉलिकल के अंदर एक लेयर आपको मिलेगी विच इज कॉल्ड एंट्रम ठीक है सो दिस विल बी द टर्शरी फॉलिकल ऐसा सेकेंडरी फॉलिकल जिसमें एंट्रम लेयर आ जाएगी एंट्रम अ थिकनिंग विल बी प्रेजेंट दिस विल बी कॉल्ड अ टर्शरी फॉलिकल एंड एट द लेवल ऑफ टर्शरी फॉलिकल मियोटिक डिविजन कंप्लीट होगी ओके वॉट विल हैपन टर्शरी फॉलिकल के

तो यहाँ पर फर्स्ट मियॉटिक डिविजन कंप्लीट होगी दैट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एंड फर्स्ट पोलर बॉडी ठीक है एंड आफ्टर दिस ये जो टर्शरी फॉलिकल था इट विल गेट कन्वर्टेड इन टू ग्राफियन फॉलिकल ये में कन्वर्ट हो जाएगा विल गेट कन्वर्टेड इन टू ग्राफियन फॉलिकल ओके ग्राफियन फॉलिकल को आप मैच्योर फॉलिकल भी कह सकते हो यू कैन आल्सो कॉल इट मैच्योर फॉलिकल ओके दिस टर्शियरी फॉलिकल गेट्स कनवर्टेड इनटू मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल क्योंकि जब रप्चर होगा देन दिस ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल तो इट रिलीजस सेकेंडरी ओसाइट तो यहां पर हैप्लोइड ओसाइट बनता राइट यहां पर रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट विल हैपन रिलीज ऑफ सेकेंडरी ऊसाइट टेक प्लेस जिसको आप क्या कहोगे दिस विल बी कॉल्ड रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम दी ग्राफियन फॉलिकल ओके इज दैट क्लियर इज दैट अंडरस्टूड सबको समझ में आया हमने कहां से शुरू किया एक बार मैं आपको एनसीआरटी से भी पढ़ा दूके दिस इज गोइंग टू हेल्प यू प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन फीमेल रेमिट का फॉर्मेशन कहा स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द फीमेल ओनली तो मिलियंस ऑफ ओगोनिया ऑलरेडी बन गए जिन्होंने माइटोसिस के थ्रू अपना नंबर यू नो इंक्रीज किया बट आफ्टर बर्थ कोई और ओगोनिया ऐड नहीं हुआ ये सेल्स जो हैं प्रोफेज वन पर ही अरेस्ट हो जाएंगे एंड दे विल बी कॉल्ड प्राइमरी ऊसाइट राइट प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन पर अरेस्टेड रहेंगे एंड देन लॉट मेनी ग्रेन्यूलोसा सेल्स विल बी एडेड टू देम तो हम इसको क्या कहेंगे अब वी विल कॉल इट प्राइमरी फॉलिकल

एंड ऑफकोर्स जब इस टर्शरी फॉलिकल का कन्वर्जन होगा ग्राफियन फॉलिकल में राइट सो बिफोर दैट ये अपनी मियॉटिक डिविजन कंप्लीट कर चुका होगा एंड इट मस्ट हैव रिलीज सेकेंडरी एंड टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी तो इसने क्या फॉर्म कर लिया होगा सेकेंडरी और टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी टर्शरी फॉलिकल में बन चुकी होगी एंड लास्टली बच्चों टर्शरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा ग्राफिकल

और स्पर्मिएशन के थ्रू इनका रिलीज जो है सेमिनिफेरस सेमिनिफेर से करा दिया गया क्लियर तो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट कब बिगिन हुआ एट प्यूबर्टी एज एट प्यूबर्टी एज लेकिन ऊ जेनेसिस का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा बच्चों फीटल लाइफ में तो एट स्टेज दल्फ फीमेल की बॉडी क्या बनाना शुरू कर देती है उगोनिया मिलियंस ऑफ उगोनिया फॉर्म ठीक है जो डिफ्रेंशिएट करेंगे माइटोसिस के थ्रू एंड फॉर्म प्राइमरी प्राइमरी फॉलिकल बनेगा सेकेंडरी बनेगा finally, secondary release हो जाएगा टर्शरी फॉलिकल ड्यूरिंग मियोसिस वन ठीक है तो इसके अंदर सेकेंडरी एंड फाइनली जो रप्चर होगा ग्राफियन फॉलिकल का दैट इज गोइंग टू रिलीज ओवम विच इज द फीमेल के और साथ में कॉर्पस ल्यूटियम बच जाएगा ठीक है जिसकी सिग्निफिकेंस मैंने अभी आपको मेंशन किया। so, ठीक है? तो अब देखो क्रोमोसोम नंबर हमें याद रखना है सेकेंडरी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितना स्पोमैटो साइट्स का नंबर था उसके कंपैरिजन में स्पोमैटिड और सेकेंडरी स्पोमैटो का नंबर इज हाफ

अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ इसमें से थ्री मार्कर फाइव मार्कर इवन एम भी बना सकते हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनता है रिप्रोडक्टिव so, जो सभी प्राइमेट्स में हमें देखने को मिलती है इंक्लूडिंग मंकीज एप्स मैमल्स, एवरी ठीक है ऑर्गेनिज्म ऑफ एट प्यूबर्टी राइट इन फीमेल्स

तो इसी में सारे इवेंट्स कवर्ड है और इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चों बिगनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फ्रॉम वन टू फिफ्थ डे फर्स्ट से फिफ्थ डे में द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस दैट इज मेंस्ट्रुएशन फेज मेंस्ट्रुअल फेज ठीक है जिसमें द ब्लड वेसल्स अलोंग विद द अनफर्टिलाइज्ड ओवम अगर ओवम की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो फीमेल थ्रू द ब्लड वेसल्स एंड द अन फर्टिलाइज एग इज गोइंग टू ब्लीड आउट फ्रॉम दीमेल इन देंसेसुलर फेज फॉलिकुलर फेज नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल इज टेकिंग प्लेस तो ओवरी के अंदर फॉलिकल डेवलप कर रहा है क्या बन रहा आ रहा था येट है तो हमने देखा था यहां पर क्या था प्राइमरी फॉलिकल था फिर वो किस में कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ फिर सेकेंडरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हुआ होगा टर्शरी फॉलिकल में फाइनली फोर्टींथ डे तक जाकर वी हैव अ मेच्योर फॉलिकल मेच्योर फॉलिकल को हमने और क्या बोला था वी कॉल्ड इट ग्राफियन फॉलिकल ऑल्सो तो बच्चों फॉलिकुलर फेज में या प्रोलिफ्रेटिव फेज में जिसमें यू नो एंडोमेट्रियम लाइनिंग दोबारा से रिप्लेनिश होना शुरू करती है दोबारा से बनना शुरू करती है इस फेज में फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलपिंग मतलब बेसिकली यू कैन से स्टार्टिंग फ्रॉम फिफ्थ डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन टू द 14th डे इस ड्यूरेशन के बीच में मेंProliferation ऑफ द एंडोमेट्रियम टेक्स प्लेस एंड फॉलिकुलर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस तो 14th डे पर जाकर ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल रप्चर कर जाता है एंड द रपचरिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल द रप्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल लीड्स टू द रिलीज ऑफ ओवम तो ओवम का रिलीज फोर्टींथ डे ऑफ द मैंट्रल साइकिल होगा एंड दिस फोर्टींथ डे इज नोन एज ओबुलेशन फेज इसको हम कौन सा फेज कहेंगे ओबुलेट्री फेज ऑफ द मेन्स्ट्रल साइकिल

लेकिन बहुत अच्छे से एंडोमेट्रियम कब बनी है प्रो, क्यों? प्रोजेस्टर रिलीज होगा फ्रॉम कॉर्पस ल्यूट ठीक है एंड इफ फर्टिलाइजेशन अगेन डजेंट टेक प्लेस दोबारा से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ट्वेंटी के बाद फिर कम दिस वन लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो मेन्स्ट्रेशन विल बी एबसेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन फेज नहीं होगा ठीक है बिकॉज एंडोमेट्रियम लाइनिंग हैज टू बी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर जाकर हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एम्बेड होगा इम्प्लांटेशन होगी और इम्प्लांटेशन में क्या करना पड़ेगा यूट्रस की लाइनिंग को फीटस को यू नो डेवलप करने में हेल्प करना पड़ेगा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा फॉर दैट यूट्रस लाइनिंग हैज टू बी मेंटेन ठीक है तो अब कुछ बातें याद रखने वाली हैं प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कब इंक्रीज हुआ फेज, फेज में, फेज्रीटरी फेज में एल का लेवल कब इंक्रीज हुआ एल एच और एफ एस एच जो की फोर्टींथ डे ओवलेशन फेज में ओवलेट्री फेज में जब यू नो ओवम वाज रिलीज तो एल एच एंड एफ एस एच सर्ज बोलते हैं इसको पीक लेवल ऑट ठीक है एंड उसके साथ साथ यू कैन सी द लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन आल्सो दैट इंक्रीजेस एब्रप्टली ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज करेगा राइट एस्ट्रोजन लेवल्स इंक्रीज राइट तो यू कैन सी कि यूट्रस के इवेंट्स क्या हैं ओवरी के हॉर्मोनल इवेंट्स क्या हो रहे हैं ओवेरियन के ओवेरियन इवेंट्स में हम बात करेंगे फॉलिकुलर और कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन एंड देन पिट्यूटरी हॉर्मोन लेवल्स क्या हैं तो लॉट मेनी क्वेश्चन कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायग्राम ये डायग्राम बनाने के साथ यू नो एक्सप्लेनेशन भी आ सकती है फुल डिटेल क्लियर अंडरस्टूड तो दिस इज हाउ मैं जनरली साइकिल्वेंटी नाइन डेज मतलब जो फुल कंप्लीट साइकिल है जिसमें से मैं फेज लास्ट फॉर ओनली थ्री टू फाइव डेज एंड इट इज वेरिएबल इन डिफरेंट फीमेल ठीक है बट वट है राइट इन ह्यूमन बींगल ऑफ एज तो प्यूबिटी पर शुरू हुई थी जिसको हमने मेनाक बोला था एंड इट हैजॉप्ड अराउंडी ईयर एज इसको हम बोलेंगे मेनोपॉज ओके क्लियर एंड अंडरस्टूड ये और नो और राइट

लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे नो मेंस्ट्रुएशन ओके, क्लियर ऑल राइट लेट्स कम टू फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन तो बच्चों फर्टिलाइजेशन हमेशा नहीं होती हम क्यों कहते हैं इट इज अ चांस इवेंट एक क्वेश्चन भी बनता है यहां से रीजन वाई वॉट हैपन ओके ओके गिव द रीजन जस्ट हैव है रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू प्रेगनेंसी तो सबकी सब क्वार्ट सबकी सब कॉपुलेशन से प्रेगनेंसी इसी लिए नहीं होती है बिकॉज मेटिंग ऑफीट्स रीचिंग द राइट साइट एट द राइट टाइम ये एक चांस फैक्टर है एक्चुअली फर्टिलाइजेशन कहां पर होनी है लेटमी टेल यू

राइट टाइम right पर पहुंचना होगा एंड इट हैज बी मेड श्योर कि सैम्पुला रीजन में ओवम भी राइट टाइम पर पहुंच इफ स्प एंड ओवम आर एबल टू रीच एट द राइट टाइम मतलब जब उनकी पोटेंशियल अच्छे से मेंटेन्ड हो उनका वाइटिलिटी उनकी िटी uh, खत्म ना हुई हो उस टाइम पर अगर एम्पिला रीजन में पहुंच गए तो बच्चों कहाजन ऑफ दी ओवी लीड टू प्रेग क्वेश्चन एंड सेकेंड ये जो फर्टिलाइजेशन का इवेंट है वो फीमेल ट्रैक्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहा पर होगा आंसर विल बी एम्पुला रीजन ठीक है क्लियर हो गया सबको हाउ इज दिसजेशन गोइंग टू टेक जब फ्यूजन होगा मेल और फीमेल का तो फर्टिलाइजेशन होगी लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड इम्पॉर्टेंट लेल कोल को एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ दोना पेलेडा जोना पेलेडा लेनेट्रेट करके स्पर्म है ठीक है इसके आसपास के जो सेल्स हैं कोरोना रेडिएटा मेम्ब्रेन ऑफ जोना पेलिडा को पेनिट्रेट करकेट वेन दम एंटर पेल्यूसीडा लेवम जब स्पर्म एंटर करता है इस लेयर से तो इट कॉजेज सर्टन चेंजेस इन दी ओवम वॉल लेयर ये कुछ ऐसे चेंजेस इंड्यूस करता है ओवम की लेयर में फादर दूसरे स्पर्म्स की एंट्री जो है ब्लॉक हो जाती है तो तभी एक ओवम के साथ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है बहुत सारे की फर्टिलाइजेशन द सेम टाइम नहीं होती. कभी -कभी लेकिन वो एक एक्सेप्शनल केस है अदरवाइज जैसे ही एक स्पर्म एंटर करता है ovum, sure कि बाकी की एंट्री क्या हो जाए ब्लॉक हो जाए

स्पर्म फर्टिलाइज करे ओवम को ठीक है अभी जो पेनेट्रेशन करने में हेल्प करी हमने कहा ना कि स्पर्म ने जोना पहले सीडा लेयर को पेनेट्रेट किया हु हैज हेल्प इन इट हमने स्पर्म के अंदर हेड रीजन में एक यू नो पोर्शन बनाया था दैट वाज कॉल्ड प्रेजेंट एट द हेड ऑफ द न्यूक्लियस दैट वाज कॉल्ड ओ एक्रोसोम तो बच्चों एक्रोसोम में कुछ ऐसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स थे which has caused the entry of sperm into the ovum layer so you can see secretion of acrosome helps the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through zona pellucida layer so zona pellucida layer ko penetrate karna bahut mushkil tha lekin acrosome has helped through its enzyme to enter the sperm into the ovum okay और इसी point पर एक और important information बच्चों आपको पता होनी चाहिए इसमें से question बन सकता है छोटे छोटे क्वेश्चंस तो यहाँ से बहुत सारे बन सकते हैं ओके टू मार्कर या फिर पार्ट्स में पूछ सकते हैं आपको गिव रीजन ओके तो ये क्या होगा जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुई और ओवन की फर्टिलाइजेशन हुई तो ओवन की राइट ग्राफियन फॉलिकल में नर्सरी फॉलिकल में फर्स्ट मियॉर्टिक डिवीजन हुई थी लेकिन अभी सेकंड मियॉर्टिक डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई थी तो यहां पर सेकंड मियॉर्टिक डिवीजन कंप्लीट होगी राइट कंप्लीशन ऑफ द म्योटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट

ठीक है उस पर हम अभी आते हैं बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट वाई आर ऑलवेज वुमेन ब्लेम्ड फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड जस्टिफाई द स्टेटमेंट हाउ विल यू डील विद दिस सिचुएशन है ना ऐसे करके क्वेश्चन बना लेते हैं तो उसमें बच्चों हमें क्या आंसर करना होता है टू मार्कर भी हो सकता है थ्री मार्कर भी हो सकता है टेंथ में भी आपने किया दैट साइंटिफिकली अगर हम देखें तो सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटर्म बाय द फादर नॉट बाय द मदर क्योंकि जो फादर होता है इट टू टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम्स राइट इट है फादर फादर का स्पर्म? के <laughs> के जो सेल्स हैं, हैं? कितने तरह स्पर्म्स बना सकते एक्स एंड वाई वेल मदर इज ऑलवेज गोइंग टू प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स दैट इज एक्स एन एक्स ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म सेम टाइप ऑफ होम है ना दोनों में एक्स ही होगा तो बच्चों ये चांस फैक्टर है कि फादर का एक्स अगर मदर के एक्स के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बॉर्न bon होगी इट विल बी अगेन एक्स ऑफ़ ऑफ़ फादर एक्स मदर अगेन फैक्टर फैक्टर चांस और वाई कंबाइन करेंगे तो इट विल बी एंड एक्स एंड वाई कंबाइन करेंगे तो इट विल बी अ बॉय तो बेसिकली बच्चों किस पर डिपेंड किया

साइंटिफिकली फादर रिस्पॉन्सिबल है कि लड़का होगा या लड़की ठीक है क्लियर हो गया सबको अंडरस्टूड है गुड क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में पैसेज ऑफ जयगॉट टू द यूट्रस्ट ठीक है so अब क्या होना है इम्प्लांटेशन होनी है फर्टिलाइजेशन हो चुकी है अब इम्प्लांट करना पड़ेगा हमें Membrane, इसके लिए क्या होगा यू नीड टू अंडरस्टैंड बहुत सारी अंडरगो करता है इट फॉर्म टू फोर एट सिक्स द यूट्रस वॉल ठीक है यूट्राइन यूट्रस की एंडोमेट्रियम में जाकर इसको एम्बेड होना है राइटॉट्रियो भी डेवलपमेंट भी इसी पैसेज के दौरान होगी इसी ट्रांसमिट

F and G. Finally बच्चों 16 to 32 cell stage में जाकर जिसको हम blastula भी कहते हैं, right? It is going to form a blastocyst. एक structure बनाएगा जिसको हम कहेंगे blastocyst. तो अगर मैं आपको यहाँ पर blastocyst बनाके दिखाऊं, it is going to have a structure like this. So this is <coughs> external wall layers होंगे, right? This is external wall layer. लाइक दिस इस एक्सटर्नल लेयर को वी आर वो कॉल इट ट्रोफोब्लास्ट ये प्लास्टो का स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं दिस इज ट्रोफोब्लास्ट राइट ब्लास्टोस्ट सिक्सटीन टू थर्टी सेल्स थर्टी टू सेल्स टीच ट्रोफोब्लास्ट और इसके अंदर आपको कुछ सेल्स नजर आएंगे डिफ्रेंशिएट होते तो so, बच्चों ये ट्रोफोब्लास्ट की जो आउटर लेयर है ना इट विल विट एम्बेडेड यूट्राइन वॉल ये तो जाकर किसके साथ एम्बेड हो जाएगी यूट्राइन वॉल के साथ यूट्रस की कौन सी वॉल के साथ एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम ट्रोफोब्लास्ट तो एक प्रोटेक्टिव लेयर है और इसका काम है मेजर एम्बेडमेंट में कि मतलब इम्प्लांट करना है इस, uterus, इस uh, को इनसाइड दी यूट्रस लेकिन जो इनर सेल मास है बच्चों इट ऑफ स्टेम सेल्स इसके अंदर क्या प्रेजेंट है स्टेम सेल्स प्रेजेंट है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनर साइड पर चले तो इनर सेल मास के जो स्टेम सेल्स हैं इट इज गोइंग टू गिव राइज टू थ्री लेयर्स इससे भी थ्री होंगी आउटर मोस्ट एक्टोडर्म इनर मोस्ट एंडोडर्म और बीच में एक बनेगी जिसको हम कहेंगे तो so, और बॉडी नर्वस सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम है ना द डिफरेंट द बॉडी विल बी फॉर्म फ्रॉम एक्टोडर्म मीजोडम एंडोडर्म क्लियर तो ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया राइट right? ट मी हैव मोर वॉटर गला बहुत ज्यादा सूख रहा है बट यू कैन ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर क्विकली एवरी वन सो ब्लास्टोसिस्ट हैविंग लॉट मेनी ब्लास्टोमियर्स बहुत सारे ब्लास्टोमियर्स हैं इसके अंदर और ब्लास्टोमियर्स ही ये स्ट्रक्चर बनाएंगे विच इज हैविंग ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेलमास लेट मी कम बैक टू डायग्राम का स्ट्रक्चर देख रहे हो आप बाहर है लेबल कर दू यहां पर दिस इज ट्रोफोब्लास्ट एंड दिस इज इनर सेल मास दिस इज इनर सेल मास क्लियर राइट सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पैराग्राफ अब इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं क्योंकि बच्चों एक बार रिविजन करना बहुत जरूरी है एनसीआर से तो माइटोटिक डिविजन वैसे ही शुरू हो जाती है जैसी जायगॉट बनता है जैसे ही जो है है इस्थमस रीजन से मूव करके यूट्रस की तरफ आता उसमें माइटोटिक डिविजन स्टार्ट हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं क्लीवेज और क्लीवेज से क्या बनता है टू फोर एट सिक्सटीन डॉटर सेल स्टेज बनती है जिसको हम इंटरनली क्या कहते हैं ब्लास्टोमियर्स कहते हैं और एक्सटर्नली हम एट सेल स्टेज को मोरूला और सिक्सटीन टू थर्टी टू सेल स्टेज को हम ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे व्हाट वट इन दी ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोसिस्ट जैसे जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड इनर सेल मास मैंने आपको बताया कि ट्रोफोब्लास्ट लेयर का काम है अटैच करना एंडोमेट्रियम से इम्प्लांटेशन so हो जाए राइट right? दोनों जुड़ जाए आपस में और यूट्राइन के जो सेल्स हैं है, वो भी डिफरेंशियट करके क्या करते हैं कवर कर लेते हैं स्ट्रोफोब्लास्ट को सो दैट इम्बेडमेंट अच्छे से हो जाए एंड ब्लास्टोसिस बिकम्स इम्बेडेड इन दूट्रस एंड दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन और बिगनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी ठीक है इसी को हम इम्प्लांटेशन या प्रेगनेंसी कहते हैं ओके क्लियर ना After this, what happens? अब देखो, हमने पहले fertilization discuss किया, उसके बाद हमने पैसेज ऑफ डिस्कस किया फिर हम आए इम्प्लांटेशन के ऊपर कि कैसे हुई, तो क्या होता है जैसे ही इम्प्लांटेशन होती है जैसे ही इम्प्लांटेशन होती है तो इम्प्लांटेशन के दौरान जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स दिस लेटम ट्रोफोब्लास्ट राइट तो ट्रोफोब्लास्ट के ये सेल्स थे राइट दे स्टार्ट गिविंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनमें से कुछ ऐसे विलाय जैसे स्ट्रक्चर्स निकलना शुरू हो जाते हैं विच गेट एम्बेडेड विथ दी लाइनिंग ऑफ द यूट्रस जो यूट्रस की लाइनिंग के साथ ऐसे इंटरडिजिटेड फॉर्म में ऐसे एक दूसरे के अंदर इंटर डिजिट हो जाते हैं राइट दीज सेल्स ऑफ द यूट्रस तो ये जो इंटर डिजिटेशन है ऑफ द लेयर ऑफ ऑफ़ कोरियोनिक विलाय इनको हम क्या बोलेंगे दिस विल बी कॉल्ड कोरियोनिक विलाय कोरियोनिक विलाय की इंटर डिजिटेशन की वजह से देयर इज गोइंग टू बी द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहां पे बन गया व्हिच इज कॉल्ड प्लासेंटा प्लासेंटा इज एंडोक्राइन टिश्यू अब इसको एंडोक्राइन टिश्यू हमने क्यों कहा क्योंकि इट इज गोइंग टू रिलीज लॉट मेनी हॉर्मोन्स प्राइमरी फंक्शन तो प्लासेंटा का यही है कि अब देखो ये, क्या है? है. ये सब यूट्रस की लाइनिंग है ना दिस इज यूट्रस लाइनिंग यूट्रस की लाइनिंग से एम्ब्रियो इज गोइंग टू ऑब्टेन ऑक्सीजन इसको क्या क्या मिलेगा ऑक्सीजन मिलेगा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे राइट गैसेस एक्सचेंज होगा राइट एंड इन रिटर्न ये जो एम्ब्रियो है व्हाट इट इज गोइंग टू गिव बैक टू द मदर्स ब्लड क्या देगा वेस्ट सब्सटेंसेस वेस्ट मटेरियल्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी ठीक है तो प्लेसेंटा का मेजर रोल इज टू कैरी आउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट सब्सटेंसेस बिटवीन मदर्स ब्लड एंड फीटस ब्लड लेकिन उसके साथ मैंने इसको क्या बुलाया एक एंडोक्राइन टिश्यू

Lactogen, human placental lactogen (HPL). Other than this, we have hormones like progesterone, estrogen, which are also released from the placenta. Okay, so we have other hormones also like estrogen and progesterone. So you can note them down. Otherwise, apki mentioned in mention book and you are aware about them. Okay, estrogen and progesterone are also released. Clear? एंड लेटर पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में एक रिलेक्सिन हॉर्मोन भी रिलीज होगा फ्रॉम दी ओवरी लेकिन बच्चों याद रखना है ये कौन सा हॉर्मोन है ओवेरियन हारमोन है फॉर मेंटेनिंग प्रेग्नेंसी इट इज रिलैक्सिंग रिलैक्सिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलैक्स दी मसल ऑफ दूटर को हमने एंडोक्राइन टिश्यू इसलिए बोला क्योंकि इट इज एबल टू गिव राइस टू दीज हार्मोन विच आर वेरी एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी

ठीक है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपियर होंगी जिनको हम कोरियोनिक विलाय कहेंगे एंड दे विल गेट सराउंडेड बाई ऑफ यूट्राइन टिश्यू ठीक है यूट्रस के के टिश्यू साथ फॉर्म में दे आर गोइंग टू गिव राइज टू अ अटर बॉडी पार्ट विच इज कॉल्ड प्लसेंटा ठीक है और प्लसेंटा इंपॉर्टेंट इसलियर बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनोट्रॉपिन एच सी जी एच पी एल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिरो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पैराग्राफ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है क्लियर हो गया एंड रिलैक्सिंग हॉर्मोन जो ओवरी से रिलीज हो इसके अलावा अदर हॉर्मोन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी जैसे ओएस्ट्रोजेंस प्रोजेस्टिंग प्रोलैक्टिन थेक्सिन ठीक है तो इनका जो सप्लाई है इनकी जो कंसेंट्रेशन है वो ड्यूरिंग द प्रेग्नेंसी टाइम बहुत ज्यादा फीमेल्स में इंक्रीज हो जाएगी क्लियर अंडरस्टूड ना वॉट हैपन्स अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो समझेंगे

फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में या बेसिकली फर्स्ट ओके आई आई एक्सप्लेन इट हेयर यहाँ पे हम इसका एक शॉर्ट नोट बना लेते हैं आपको काम आएगा बिफोर द एग्जाम तो जेस्टेशन पीरियड वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इनटू फर्स्ट ट्राइमेस्टर राइट सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर तो बेसिकली थ्री थ्री मंथ्स के पीरियड में आपने डिवाइड कर लिया इसको एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फर्स्ट मंथ होगा राइट ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ फॉर्मेशन ऑफ बेबीज हार्ट विल टेक प्लेस तो फर्स्ट मंथ में क्या ग्रोथ होगी फीटस की हार्ट डेवलप हो चुका होगा मंथ में विल हैपन? फिंगर्स और वी कैन से डिजिट्स एंड लिम्स विल बी फॉर्म तो हाथ बन चुके होंगे पैर बन चुके होंगे और डिजिट्स बन चुके होंगे तो आई कैन राइट लिम्स एंड फिंगर्स विल बी फॉर्म थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड तक क्या डेवलपमेंट हो चुकी होगी जेनाइटल ऑर्गन डेवलप कर चुके एंड मेजर ऑफ बॉडी विल जेनाइटल ऑर्गन विल बी डेवलप सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में बेसिकली यू नो अराउंड फिफ्थ फिफ्थ मंथ मंथ के एंड में वॉट यू विल सी डेवलपमेंट हो चुकी होगी फीटस की हेयर डेवलपमेंट हो चुकी होगी राइट हेयर वुड हैव बीन फॉर्म हेयर डेवलपमेंट हो चुकी होगी एंड आईलेट्स ट वो जो सिक्स मंथ में यू कैन सी हेर सो यू कैन अंडरलाइन हिट हेर को यहाँ पे अंडरलाइन कर लो द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ दिटस एंड अपियरेंस ऑफ हेयर ऑन दर ड्यूरिंग द एंड ऑफ दिफ्थ मंथ बाई दबाउट ट्वेंटी फोर वीक्स जब सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड होगा मतलब सिक्स मंथ के बाद ठीक है बॉडी विल बी कवर्ड विथ फाइन हेयर

हम मेंशन कर सकते हैं बॉडी फुल्ली कवर्ड विद हेयर बॉडी हेयर बन चुके हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड तक फुल डेवलपमेंट हैज बीन कंप्लीट ओके तो ऐसे करके आप इस पैराग्राफ की शॉर्ट नोट बना लें इन दी फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट ही हमने बनाया ठीक है क्लियर लास्ट पार्ट ऑफ दी चैप्टर बच्चों पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन अब हमने ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी जब फीटस डेवलपमेंट चल रही थी कॉल्ड दैट फेज ऑज जस्टेशन फेज बट जैसे ही डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड कॉल्ड पार्चुरेशन इट इज कॉल्ड पार्चुरेशन सो पार्चुरेशन इज द डिवलीवरी ऑफ द फुल ग्रोन फीटस आउट ऑफ द बॉडी डिलीवरी ऑफ फुल ग्रोन फीटस आउट ऑफ दॉडी ओके क्लियर दिस इज कॉल्ड पार्चुरेशन अब पार्चुरेशन में व्हाट यू हैव टू नोटिस कि इसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा बच्चों द प्रोसेस बिगिंस जब फीटस एंड प्लसेंटा फीटस एंड प्लसेंटा फर्स्ट फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स फर्स्ट फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स समझते हो सम चेंज रिफ्लेक्स इज अ सडन फर्स्ट फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करेंगे will will so, थोड़ी सी भी कॉन्ट्रेक्शन होंगी यूटरस की तो ब्रेन के पास मैसेज जाएगा राइट एंड एज सुन एज दिस रिफ्लेक्स इज जनरेटेड अब ये रिफ्लेक्स किसके पास जाएगा ये सडन चेंज किस को पता चलेगा ब्रेन को पता चलेगा एंड द पिट्यूट्री ऑफ द मदर पिट्यूट्री ग्लैंड ऑफ द मदर विल स्टार्ट गेट स्टिटेड टू रिलीज एंड अज अ हॉर्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन यहां पर एक हॉर्मोन रिलीज होगा मदर के पिट्यूट्री से दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन

डिलीवरी ऑफ द बेबी ओके तो सबसे पहला जो रिफ्लेक्स जनरेट हुआ वो कहां पर हुआ? हुआस के थ्रू हुआ के थ्रू हुआ। कहा गया मैसेज? ब्रेन के पास गया? ने उसके अगेंस्ट क्या रिलीज किया ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन कम्स बैक और ये स्टिमुलेटरी ये जो इंटर यू नो वी कैन से कोर्डिनेशन है बिटवीन द पिट्यूट्री एंड द जो फीटस है या फिर ये जो इजेक्शन रिफ्लेक्स है ये कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा विच लीड टू विग्रस स्ट्रॉन्ग एंड लास्टली क्या होगा इट विल लीड टू इंजेक्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द बॉडी दैट इज पार्चुरेशन दैट इज कंप्लीशन ऑफ पार्चुरेशन ओके एंड पार्चुरेशन इज ऑल्सो फॉलोड बाय लैक्टेशन ठीक है तो लैक्टेशन भी होगा इसमें लैक्टेशन का क्या रोल है लैक्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इम्यूनिटी पीटर्स को मिलेगी when it इट कम्स इन टू द वर्ल्ड राइट तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफेंस इज गोइंग टू कम फ्रॉम द मदर मिल्क क्योंकि मदर के मिल्क में क्या प्रेजेंट है इट हैज अ फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ दी फीडिंग इट कंटेन्स कोलेस्ट्रोल कोलेस्ट्रोल में बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं विच आर गोइंग टू हेल्प डेवलप रेजिस्टेंस इन द इम्यूनिटी इन द बॉडी ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी ओके सो लैक्टेशन इज डिफ्रेंशिएट करते हैं हमने पूरा आज प्रोसेस समझा है कि मेमेरी ग्लाइंट्स में मिल्क सिक्रेशन कैसे होता है तो मिल्क सिक्रेशन का जो प्रोसेस है आफ्टर और ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी इट इज कॉल्ड लैक्टेशन एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स ऑल्सो रेकमेंड दैट मिल्क सिक्रेशन और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफेंस जो है वो बच्चों को मिल्क के थ्रू ही मदर मिल्क के थ्रू ही मिलना चाहिए दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर्स आई होप आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाई क्यूज हम दोनों सो आई यू रेडी सो एज यू अवेयर अबाउट दैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर कल भी मैंने आपको बताया था बच्चों की आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा इट विल भी डिवाइडेड इन टू थर्टी थ्री क्वेश्चन इन टोटल और इन थर्टी थ्री क्वेश्चन में से आपको इंटरनल चॉइसिस होंगे अदरवाइज ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी सेक्शन ए में आपको वन मार्कर्स मिलेंगे जिसमें आप एम सी क्यूज एसोशन रीजन मिलेंगे सेक्शन बी टू मार्कर्स होंगे थ्री मार्कर्स फोर मार्कर्स एंड फाइव मार्क्स ईच हमें सेक्शन ई e तक मिलेगा राइट तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने कल आपको एक्सप्लेन किए थे सेम पैटर्न पर हम चलेंगे फर्स्ट सेक्शन पे आते हैं दैट इज वन मार्क टाइप क्वेश्चन तो वन मार्क टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है सेमिनल प्लाज्मा जो फ्लूड पार्ट है सीमन का उसको कॉन्ट्रीब्यूट कौन करता है सेमिनल वेसिकल्स प्रोस्ट्रेट ग्लैंड यूरे बल्बो यूरेन्ड टू एंड थ्री एंड फोर वन एंड फोर इनमें से कौन से पार्ट्स ऐसे जल्दी से बच्चों आंसर अपना कमेंट सेक्शन में लिखो बहुत इजी क्वेश्चन है हमने पढ़ा है कि जो सेमिनल प्लाज्मा की सिक्रेशन है सीमन के अंदर वो कौन से पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कॉन्ट्रीब्यूट होती है

एच सी जी इज ह्यूमन कोरियोनिक प्लासेंटा टिश्यू कौन कौन से हॉर्मोन रिलीज करता है तो so, आपको ये हॉर्मोन कहा से रिलीज होता है पिट्यूट्री से ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वास्टरेंस रिसीव ड्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इन टू यूर एथराज तो वास्ट डेफरेंस में डक्ट आती है सेमिनल वेसिकल्स की ठीक है और यूरेथ्रा में ओपन किसके थ्रू होगी डक्ट एफरेंट और वी हैव वेरी नाइसली स्टडीड दिस आज ही पढ़ाया मैंने आपको दैट इट इज यू नो ओपनिंग इन टू दूरेथ्राइज डक्ट क्लियर करेक्ट सीक्वेंस स्टेजेस की क्या रहेगी स्पोमैटोजेनिस में स्पर्म पोमैटो साइड्स पोमैटोनिया और स्पॉम। स्पॉम्सो यू कैन रीड दस और इनसे करेक्ट सीक्वेंस आप चूज करेंगे कि इस पोमैटो के दौरान सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या रहता है फिर कौन सा स्ट्रक्चर बनता है और फाइनल कन्वर्जन किसमें होती है प्रोसेस स्टार्ट फ्राम पोमेटोगिया राइट जिसमें से हमने प्राइमरीज पोमेटो बनाए थे सेकेंडरीज पोमेटो बनाए थे फिर कन्वर्जन हुई थी स्पर्मेटिड्स में सेकंड मियोटिक डिवीजन के बाद एंड लास्टली दे वर कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स ओके क्लियर सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी तो इसके साथ सेक्शन ए में हमने एमसीक्यूज देखे फ्रॉम दी चैप्टर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं नाउ लेट्स कम टू सेक्शन बी ठीक है सेक्शन बी में टू मार्कर्स मिलेंगे देखो टू मार्क्स का क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया था सीबीएसई में

क्योंकि बच्चों स्क्रॉटम में प्रेजेंट होने के कारण दे आर गोइंग टू गेट अ टेम्परेचर अबाउट टू 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 पॉइंट लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो परमेटोजेस के लिए रिक्वायर्ड है फॉर्म फॉर्मेशन के लिए इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड राइट सो दिस इज द दर्पज ऑफ हैविंग टेस्ट लोकेटेड इन दॉटम सो एज यू कैन सी प्लीज अंडरलाइन ह्यूमन टेस्ट कहा लोकेटेड है

वेरी इंपॉर्टेंट वो पैराग्राफ भी हमने स्टार मार्क किया था ना? मैंने आपको बोला था क्वेश्चन इनर लाइनिंग ऑफ सेमिन में, so, का तो में प्रेजेंट होते हैं फेरे okay? और इनका फंक्शन क्या होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू मेल जर्म सेल्स किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे मेल जर्म सेल्स की बात करें तो वेर आर देटेड एंड वॉट इज गोइंग टू बी देर फंक्शन दे हेल्प इन ऑफ एंड्रोजन एंड्रोजन पर्टिकुलरली टेस्टोस्टर जोमैटोजेसिस में हेल्प जो करते हैं

एज यू कैन सी एक्जोम कहाँ प्रेजेंट है इट इज प्रेजेंट इन दी एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म और इसमें क्या होगा एंजाइम्स होंगे जो स्पर्म को फर्टिलाइजेशन में पेनेट्रेशन में हेल्प करे क्लियर एंड यू कैन मेंशन जोना पेल्यूसिडा लेयर आल्सो जोना पेल्यूसिडा लेयर में एंट्री करने में हेल्प करता नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए बी एंड सी विद रिस्पेक्ट टू गेमिटोजेनेसिस तो so, बच्चों हमने हार्मोनल रोल पढ़ा था रिमेंबर right? हमने हार्मोनल रोल पढ़ा था के दौरान किसका है तो so, जो हार्मोन था, एक्टेड ऑन इंटीरियर पिट्यूटरी और पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स रिलीज हुए थे, hormone. Hormone क्या करेगा या uh, बेसिकली yeah, किस पर एक्ट करेगा इट इज रिलीजिंग एंड्रोजेंस दैट इज फाइन लेकिन कहां से रिलीज होंगे एंड्रोजन्स तो वो आपको मार्क करना है ए एंड देन एफएसएच किस पर एक्ट करेगा बी व्हाट इज द प्रोसेस अफेक्टेड सी एंड डी बताएंगे प्लीज राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन अब हम चैप्टर पढ़ चुके हैं कंप्लीट थोरली तो अब आपको पता होना चाहिए कि क्या मतलब है इसका एलएच एक्ट्स ऐड लेडिक सेल्स है ना एंड एफएसएच एक्ट्स एट टॉली सेल्स इज दैट क्लियर समझ आ गया सबको लेडिक सेल क्रिएट करेंगे एंड्रोजन कौन से प्रोसेस में हेल्प करेगा ये परमैटोजेस इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड एफ एस एच टू रिलीज फैक्टर्स जो किसमें हेल्प करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ फर्मिएशन दैट इज रिलीज ऑफ इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस Right? Clear to everyone? Understood? Understood everybody? Clear? So, see, Ladig cells which were helping in spermatogenesis, Sertoli cells which helped in spermiogenesis. Clear? Next question. Section C: perate. So, are two markers. Section C: We have women are often blamed for producing female children. Consequently, they are ill-treated and ostracized. स दिस सिचुएशन और इश्यू साइंटिफिकली तो बच्चों बहुत फ्रिक्वेंटलीस्ट क्वेश्चन है साइंटिफिकली कैसे होती है तो हाउ विस्टिफाई साइंटिफिकली फादर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड जहां पर फादर विल हैव टू टाइप्स ऑफ ये मीट्स है बेसिकली kind of so, so so so, बच्चों को किस पर डिपेंड किया फादर के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पे फादर के क्रोमोजोम के कॉन्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड किया दैट वॉट इट इज गोइंग टू बी ठीक है नेक्स्ट जनरेशन में तो so, सी सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटर्मंड बाई टाइप ऑफ गेमीट ही रिसीव फ्रॉम दादर फादर से कौन से गेमीट्स मिले उस पर डिपेंड करेगा जब मेल का एक्स कम्बाइन करेगा फीमेल के एक्स के साथ तो इट विल बी अ गर्ल वेन मेल का वाई कम्बाइन करेगा फीमेल के एक्स के साथ इट विल बी अन इट विल बी अ बॉय ओके सो यहाँ पर मेल आना चाहिए ठीक है सो फीमेल्स कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होनी चाहिए फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द चाइल्ड बिकॉज एक्चुअली फादर इज चाइल्डिबल ठीक है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 का है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो बच्चों हमने ड्रॉ किया था ड्यूरिंग द सेशन दोबारा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट right? इसमें से लेबलिंग वाइज भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट दिस इज द ह्यूमन फीमेल

सेक्स ऑर्गन पेयर ऑफ ओवरीज ऑन ईच साइड ऑफ ठीक है और यहां पर हमें लाइनिंग मिलेगी यूट्रस की लाइक दिस राइट लाइक दिस ओके सो दिस इज यूट्राइन कैविटी दिस इज यूट्राइन कैविटी क्लियर एंड ये रहा सर्विक्स दिस इज सर्विकल केनाल केनाल जो ये पूरा डफ रन करता है टिल वजाइना दिस इज वजाइना एक्सटर्नल फीमेल जेनेटेल राइट इज इट क्लियर तो ये बेसिक्स हो गए उसके बाद आप यूट्रस की लेयर्स बना सकते हो पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम एंड देन वी हैव एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर लेयर है इट चेंजेस इट्स नेचर ड्यूरिंग द होल मेंस्ट्रल साइकल तो एक बढ़िया सा ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हम बना देंगे राइट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेबलिंग भी पूछी जा सकती है फंक्शन ऑफ दार्ट भी पूछा जा सकता है और डायरेक्ट डायग्राम केन बी आज सी सो वी हैव ड्रॉन दिस क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ अ सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन ओवरी ह्यूमन ओवरी का सेक्शनल व्यू बनाएंगे

प्राइमरी फॉलिकल्स बना देंगे आप प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी फॉलिकल डेवलपिंग इन टू टर्सरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव एंट्रम कैविटी एंट्रम कैविटी ये एंट्रम है फ्लू फिल्ड कैविटी एंड फाइनली ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर दिखा सकते हैं हम रिलीज हो रहा है यहां से और कॉर्पस ल्यूटम बाकी जो बच गया नथिंग बट कार्पस्यूट ठीक है डेवलपमेंट you know, को इन्फ्लुंस करता है दैट इज रिलीज बाय दिट्यूटरी हॉर्मोन्स पिट्यूट्री हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं स्टिमुलेट करते हैं सिक्रेशन ऑफ ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टरॉन

it acts on anterior pituitary ye anterior pituitary region per act karega and it is going to stimulate the release of lh and fsh right lh act karega LADIC cells per and fsh acts at sertoli cells right LADIC cells per jaakar it is going to stimulate secretion of androgens किसको इन्फ्लुएंस करेगा ये टू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इट इट इन्फ्लुएंसेस द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एफएसएच एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स पर इट इज गोइंग टू स्टिमुलेट फैक्टर्स राइट कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाएगा विच इज गोइंग टू इफेक्ट स्पर्मियोजेनेसिस के जो स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेगा इज दैट क्लियर सो दिस इज हाउ आप फ्लोचार्ट के फॉर्म में भी बना सकते हो और यू कैन राइट योर आंसर इन दिस आल्सो पॉइंट वाइज मैनर में भी लिख सकते हो कि गोनेडोट्रोपिन जो है कहां से रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस से जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी तो इट एक्ट्स ऑन इंटीरियर पिट्यूटरी एंड स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच ठीक है एलएच क्या करेगा इट एक्ट्स ऑन लेडिक सेल्स एंड रिलीजस

तो पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल डिस्कस करना है ट्वेल्थ डे से क्या रहेगा यूट्राइन इवेंट्स डिस्कस करने हैं 13 से 15 डे पर क्या रहेंगे ओवेरियन इवेंट्स डिस्कस करने हैं 16 टू ट्वेंटी डे पर क्या रहेंगे तो एज वी हैव डिस्कस मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी हमने डिस्कस किया था पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स ट्वेल्थ डे पर एफ और एल का जो लेवल है वो इंक्रीज करेगा राइट ड्यूरिंग दीज डेज जब fsh और lh का लेवल इंक्रीज करेगा बच्चों व्हाट इज गोइंग टू हैपन एस्ट्रोजन का रिलीज बढ़ जाएगा व्हिच हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल की डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होगी फ्रॉम 13th टू 15th डे क्या होगा fsh और lh का सर्ज आ जाएगा ठीक है पीक आ जाएगा तो so, यूट्रस में क्या इवेंट्स होंगे जो हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी ऑफ द यूट्रस इट इज गोइंग टू यू नो उसकी जो replenishment थी वो बढ़ जाएगी ठीक है तो और इसकी वजह से क्या होगा एंडोमेट्रियम इंटैक्ट रहेगी मतलब बनती रहेगी राइट इट द यूट्रस फॉर सपोर्टिंग प्रेगनेंसी एंड फ्रॉम सिक्सटींथ टू ट्वेंटी थर्ड डे ियन इवेंट्स अगर हम डिस्कस करें तो बच्चों पर क्या हो रहा होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जब बनेगा इंफ्लुंस्ड बाई इंक्रीज ऑफ प्रोजेस्टिंग ऑल्सो इंक्रीज दिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टिंग हॉर्मोन जो एंडोमेट्रिम लाइनिंग को मेनटेन करेगा सी है ग्राफियन कन्वर्ट हो चुका होगा कॉर्पस ल्यूटियम में जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ेगा एंड इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग एंडोमेट्रियम ऑफ़ में यूट्रस ओके एंड फॉलोड बाय अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी कम टू द लास्ट सेक्शन सेक्शन डी पर आते हैं ठीक है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर में से बहुत पूछे जाते हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्चुअल रिपोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ऑल्सो और ह्यूमन रीप्रोडक्शन से भी बढ़िया पांच नंबर का क्वेश्चन बनेगा सी वराइटी ऑफ क्वेश्चन एक तो ये फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट को ना बच्चे इग्नोर कर देते हैं छोटा सा टॉपिक है बट इसमें से क्वेश्चन बनते हैं बढ़िया ठीक है मैंस्ट्रल साइकिल तो एक्सपेक्टेड है ही इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे बट दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो गिवन बिलोज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन ओवम ह्यूमन ओवम का यहाँ पे डायग्राम गिवन है

दिस इज कोरोना रेडिएटा ना कोरोना रेडिएटा सेल्स हैं ओवम के बाहर एंड ई पार्ट इज जोना पेल्यूसीडा जोना पेल्यूसीडा एक इम्पोर्टेंट लेयर है फंक्शन भी पूछा गया इसका जोना पेल्यूसीडा इज एन इम्पोर्टेंट लेयर क्योंकि स्पर्म जब इसमें पेनिट्रेट करेगा इट विल इंड्यूस चेंजेस इन दोना पेल्यूसीडा लेयर जो कि दूसरे स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक कर देगा सो यू नीड टू मैंशन दिस रीजन वट इज द रीजन ई इज जोना पेल्यू सी डा लेर इट्स यू नो दे सर्टन चेंजेस इंड्यूस्ड बाई दिंगल स्पर्म्स क्या इंश्योर होगा सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाए देन नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वेल्प दी ऑफ स्पर्म स्पर्म की एंट्री में कौन हेल्प करेगा तो so बच्चों हमने स्पर्म में एक स्ट्रक्चर पढ़ा है एक्रोजोम राइट इन देड रीजन हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा है एक्रोजोम

ओवम इन दी फॉर्म ऑफ ऊटेड ठीक है सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और हेप्लॉइड ओवम बनेगी क्लियर नेम द स्पेसिफिक रीजन इन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेर द इवेंट इज रिप्रेजेंटेड तो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है जल्दी से लिखो कॉमेंट सेक्शन में वेर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एम्पुला रीजन तो हमने ये बनाया था दीज वर फिम्ब्रिय दिस वॉज इन फंडिबुलम और इसके बाद एक वाइडर पार्ट था दैट एम्पुला so, जन होती है और ई ले थी जोना पेल्यूसीडा फर्टिलाइजेशन के दौरान कौन स्पर्म के कॉन्टेक्ट में आया पेल्यूसीडा लेवम और स्पॉर्म ने इसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस इंड्यूस किए

अग्री विद दोवाइड रीजन फॉर द आंसर तो मैंस्ट्रल फेज पॉलिकुलर फेज ल्यूट्रियल फेज एक्सप्लेन कर देंगे तो एज यू नो बच्चो मैंट्रल फेज लास्ट करेगा फ्रॉम थर्ड टू फिफ्थ डे ऑफ द मैंट्रल साइकिल थ्री टू फाइव डेज के लिए लास्ट करेगा एंड वॉट हैपन्स ड्यूरिंग दिस ब्लड वेसल एंड अनफर्टिलाइज ओवम विल शेड आउट उट फ्रॉम दी वेना फॉर्म ऑफ ब्लड ठीक है so, menstrual phase क्या होगा दिस इवेंट विलरिकुलर फेज नाम से ही समझ में आ रहा है द फेज इन विच द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल टेक्स प्लेस है ना तो ये लास्ट करेगा कुछ फ्रॉम दिक्कत डे ऑफ द साइकल टू दर्टीन से है ना सिक्स टू थर्टीन डे तक लास्ट करेगा और इस फॉलिकुलर फेज में क्या होगा डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स प्राइमरी से सेकेंडरी यू कैन मेंशन इट इन डिटेल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ग्राफियन फॉलिकल विल टेक और इस टाइम पर परल एच लेवल्स एंड लेवल्स विल बी वेरी हाई विल हेल्प इन रिलीज ऑफ ओएस्ट्रोजन जो ओवरी से ओएस्ट्रोजन रिलीज करने में यू uh, नो you know, एस्ट्रोजन रिलीज को बढ़ा देंगे एंड लास्ट फेज इज लास्ट फेज इज ल्यूटियल फेज ल्यूटियल फेज बच्चों वो होगा जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम विल बी डेवलपिंग डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम विल टेक प्लेस है ना जो ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम रिलीज हो चुका है जो बाकी पार्ट बच गया वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में इस टाइम पर प्रोजेस्टेरॉन लेवल विल इंक्रीज एंड एंडोमेट्रियम विल भी मेनटेन एंडोमेट्रियम लाइनिंग मेंटेन्ड रहेगी ओके क्लियर एंड अंडरस्टोड यस और नो यस और नो तो ये मैंने आपको शॉर्ट नोट बना दिया बट अदरवाइज यू कैन राइट इट प्रॉपरली इन दी फॉर्म ऑफ पॉइंट्स तो मैंट्रोअल फेज वो है जहां पर यू नो थ्री टू फाइव डेज तक एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक हो जाएगी यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग एंड इट विल ब्लीड आउट थ्रू दी वजाइना अलॉन्ग विद अनफर्टिलाइज होबी फॉलिकुलर फेज जो है थर्टींथ डे तक लास्ट करेगा मैंस्ट्रल फेज के बाद शुरू हो जाएगा सिक्स डे पिले से एंड इट विल सी द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल टू सेकेंडरी टू टर्शरी टू ग्राफियन फॉलिकल ठीक है एंड अल्टीमेटली ये सब क्यों हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन दैवल ऑफ ओएस्ट्रोजन विच इज कॉज बाय फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन एंड एल एच न्यूट्रियल फेज में टेन टू फोर्टीन डेज तक लास्ट करेगा आफ्टर ओविलेटरी फेज आएगा एंड वॉट विल है तो अब तक याद हो जाना चाहिए सबको ठीक है एंड ऑफकोर्स मेन्स्ट्रोअल साइकिल की जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रॉपर फैमिली प्लानिंग में हेल्प करेगी बिकॉज वुमेन विल बी एबल टू नो कपल्स विल बी एबल टू नो दैट दे ई चांसेज ऑफ फर्टिलाईजेशन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग दिस फेज क्योंकि ये कौन सा फेज है ओव्यूलेट्री फेज है इसमें ओवलेशन हुई है ओवम रिलीज हुआ है ओवरी से राइट सो इट मीनस की इस फेज में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजेशन के चांसेस होंगे एंड इफ़ दे दे वांट टू टू अवॉइड अवॉइड प्रेगनेंसी सो नीड इट फ्रॉम क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखो फिर से वैसा वैसा ही आ गया 2013 में वन ऑफ़ इज़ तो आपको ए लेयर का नाम बता देना है. और फिर बताने जाए कि स्पर्म कैसे एंटर कर पा रहा है इन exactly ये हो रहा है? कहां पर ये इवेंट हो रहा है एक्सप्लेन मोरूला स्टेज तक so बच्चों ये ओवम की जो बाहर वाली लेयर है दैट इज जोना को पेनेट्रेट कर रहा है कौन स्पर्म राइट तो स्पर्म कैसे कर पा रहा है क्योंकि स्पर्म के पास हेड रीजन में एक एरिया प्रेजेंट है

ट कर पाएगा स्टेज ठीक है एंड मियोटिक डिविजन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी होगी क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो यहाँ पर मिओटिक डिविजन कम्प्लीट हो चुकी होगी इन टू सेकेंड पोलर बॉडी एंड ऊटेड ऊटेड दिलियर तो बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे फ्रीक्वेंटलीस्ट क्वेश्चन थे पीवाई क्यूज थे पुराने साल के तो so, आपको आई होप हेल्प हुआ होगा क्योंकि हमने पहले एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा उसके बाद में इन क्वेश्चन पे आई हूँ इतनी बार हमने टॉपिक्स को रिपीट किया है इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली बार बार रिवाइज हुए हैं तो आई होप दिस सेशन हेल्प यू आपको सेशन्स कैसे लग रहे हैं आप कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताओ इज इट गोइंग टू हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम्स लेट मी नो एनी अदर इनपुट यू वॉन्ट फ्रॉम मी प्लीज आस्क फ्रॉम मी तो कल फिर मिलेंगे विद अ न्यू चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ टिल देन कीप स्टार्टिंग हार्ड ऑल द बेस्ट फॉर यूर एग्जाम्स